नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कभी कभी जब बड़ी बीमारी हो तो साइड इफेक्ट की परवाह किए बिना दवा का डोज देना ही पड़ता है। मध्य प्रदेश के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सालों बाद बाढ़ ने इतनी तबाही मचा दी है कि जनता को मदद की दरकार है। केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार है। इस आफत में भी केंद्र की बेरुखी बरकरार है, राज्य सरकार राहत के लिए राशि जुटाने को बेकरार है। शायद इसीलिए पड़ी महंगाई की मार है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पेट्रोल, डीजल और शराब पर वेट बढ़ने से सरकार विपक्ष के बीच मची तकरार है। तो निश्चित रूप से बात हो रही है पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों की। राज्य सरकार ने कल जिस प्रकार से अचानक से 5% वेट बढ़ाया है पेट्रोल डीजल पर और शराब पर, उसके बाद से लगातार विपक्ष हमलावर है। सरकार रक्षात्मक मुद्रा में है, लेकिन दलील दे रही है कि इसमें ऐसा कोई भाव नहीं बढ़े जिससे किसी को दिक्कत हो। सरकार विपक्ष के बीच मची इस तकरार पर देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश में भारी बारिश से आई आफत, केंद्र से अब तक नहीं मिली राहत, जनता चुकाएगी कीमत। पेट्रोल डीजल पर शुरू हुई सियासत। प्रदेश की जनता के जेब को शुक्रवार की रात जोर का झटका धीरे से लगा, जब प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल और शराब पर 5% वैट बढ़ाने का ऐलान किया। नई दरें लागू हो चुकी है, यानी शनिवार की सुबह आम आदमी के बजट को और चपत लग चुकी थी और प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका था। जिंदगी की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। ऐसे में इस बढ़ोतरी से चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले हो या फिर निजी वाहन से चलने वाले, सबके बजट पर असर पड़ेगा। न केवल उनके कन्वेंस में ज्यादा खर्च होगा, बल्कि माल ढुलाई बढ़ने से महंगाई की दोहरी मार भी पड़ेगी। शराब पर वैट बढ़ने को अगर जायज ठहराया भी जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमत का सीधा असर जनता के खर्च पर पड़ेगा, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन इस फैसले के पीछे ये बात समझ में आती है कि प्रदेश में इस बार बारिश ने कहर बरपाया और केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होने के कारण मध्य प्रदेश शायद भेदभाव का शिकार है। लेकिन राज्य सरकार को तो प्रदेशवासियों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद देनी है और खजाना पहले से ही खाली है, इसीलिए राजस्व हासिल करने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सरकार का इरादा भले ही नेक हो और वो कमाई के बजाय भलाई के लिए जनता पर बोझ डाल रही हो, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से सियासत भी शुरू हो जाती है, तो इस फैसले को सही और गलत ठहराने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। डीजल पेट्रोल जो केंद्र सरकार ने भाव बढ़ाया है उसकी मैं निंदा करता हूँ, कई बार बढ़ा चुके हैं। ये जो मध्य प्रदेश में वेट बढ़ा है अस्थाई, और शराब जैसी चीजों पर भी है वो, और ये अस्थाई है। जो हमारे लोग बाढ़ पीड़ित हैं गांधी सागर भिंड में और सरदार सरोवर में, उनकी सहायता के लिए है, क्योंकि केंद्र सरकार जो सहायता पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा रही। अचंबा है, दिन में मुख्यमंत्री जी कांग्रेस का सम्मेलन बुलाकर केंद्र की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हैं और शाम को वैट बढ़ाकर मध्य प्रदेश के लोगों पर एक बोझ डाल देते हैं। आज प्रदेश की हालत ऐसी हो गई है कि किसान कर रहा है हाहाकार, नौजवान बेबस और लाचार, ऊपर से पेट्रोल और डीजल की मार बाहरी कमलनाथ सरकार। मुख्यमंत्री को चाहिए तत्काल ये जो जजिया कर के रूप में जनता पे थोपा गया है इसे तत्काल वापस लें। चाहे वो विपक्ष हो या सरकार, जनता तो बस एक बात ही जानना चाहेगी कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने की ये कैसी तरकीब जिससे हर खासो आम को तकलीफ का सामना करना पड़े और बाढ़ पीड़ितों की दिक्कतों में भी उतनी कमी न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बाढ़ पीड़ितों को रिलीफ पहुंचाने के लिए प्रदेश की आम जनता को क्यों तकलीफ देनी पड़ी और केंद्र जो मध्य प्रदेश के हितों की
अनदेखी कर रहा है उसके मद्देनजर इस बढ़ोतरी से सरकार को कितना फायदा होगा और इस इजाफे पर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी का शोर शराबा कितना जायज है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पूरा पैनल मौजूद है जिसमें शामिल हैं शिखर वाणी के संपादक सुरेश शर्मा जी, नया इंडिया के राजनीतिक संवाददाता देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी सुनील सिंह। तो सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपके पास कि आपको लगता है कि जिस प्रकार की सुबह बैठक में आता है कि 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण, केंद्रीय राहत दल आता है, बात होती है कि सरकार पैसा नहीं दे रही केंद्र की, और रात होते होते वेट बढ़ा दिया जाता है 5%, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लगभग 250 करोड़ रुपए प्रति माह का अतिरिक्त आय राज्य सरकार को होगी, यानी इस पूरे वित्तीय वर्ष में अगर हम 6 महीने मान भी लें, सबको जोड़ भी लें, तो 300 करोड़ का आंकड़ा होता है ये। तो आपको लगता है जो 11,000 करोड़ का भारी भरकम जो नुकसान हुआ है उसमें ये 300 करोड़ की रकम इतनी है कि राज्य सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा? मनोज जी, मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार ने कोई बाढ़ पीड़ितों का नाम लेकर के ये राशि जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए ये राशि जुटाई है जी। एक्चुअल में जब से कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी का मामला कांग्रेस की सरकार ने या कमलनाथ जी की सरकार ने एग्जीक्यूट करना शुरू किया है, तब इन्हें समझ में आया कि इनके द्वारा कही गई बात बड़ी हो गई थी और जो राज्य की आय और खजाना और खर्चा जो है वो ज्यादा है, तो वो असंतुलन जो है वो आज इस सरकार के गले में पड़ा हुआ है। जहां तक केंद्र सरकार का प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम, मुझे ताजा जानकारी ये है, ताजा जानकारी क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दो दिन पहले तक की जानकारी ये थी कि जब सही फॉर्मेट या आकलन करे बगैर ही हम केंद्र सरकार से राशि की मांग करते हैं तो केंद्र सरकार राशि नहीं देती। ये पहले शिवराज की सरकार के समय भी हुआ था जी। हाँ, उसमें एक चीज जरूर होती है कि आप उसके परिप्रेक्ष्य में अंतरिम राहत मांगते हैं, तो आप केंद्र सरकार से ये कहिए कि हमारा लगभग 10,000-12,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है जिसका हम सर्वे करा रहे हैं और आकलन सर्वे जो है हम आपको भेज देंगे और उसका उसके बीच में जो है आप हमको इतनी मदद करिए ताकि जो तात्कालिक रिलीफ है वो हम दे सकें। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार जो है अपने बजट में प्रतिवर्ष जो है वो इस प्रकार के रिलीफ के लिए फंड का आयोजन करती है, कलेक्टर्स के पास जो है आपदा के प्रबंधन के लिए फंड्स होता है। अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि आपदा प्रबंधन का भी कोई फंड जो है राज्य सरकार ने जारी किया है। कैंप जो है कुछ लगे हैं लेकिन उतने पर्याप्त कैंप नहीं लगे हैं, ऐसी बातें भी सामने छन करके आ रही है। अब इस बीच में हम पीसी शर्मा जी का बयान सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि केंद्र ने तो रेट बढ़ा दिए और हम उसकी निंदा करते हैं और हम जो बढ़ा रहे हैं वो जायज हैं। बिल्कुल। तो ये अजीब सी राजनीतिक बातें होती हैं जो जनता के गले नहीं उतरती, और मुझे लगता है कि जो नौसिखिए टाइप के मंत्री बन जाते हैं ये लोग जिनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं होता वो इस टाइप की बातें करके सरकार की बदनामी करवाते हैं। मुझे लगता था कि इससे बचना चाहिए था पीसी शर्मा को ये सब कहने के लिए। अगली बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि हम जो बजट लेकर के आए थे उस बजट में भी हमने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा कि आने वाले समय में कितनी आपदाएं आ सकती हैं, कितने हमारे पास राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं और कितना। आप देखिए उस बजट में भी, मनोज जी आपको अच्छे से याद है, उस बजट में भी राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत औसत प्रतिशत से काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा, और वो जो है आंकलन इनका फिट बैठ नहीं रहा था। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, इस तरह से जो है ये रास्ते निकाले जा रहे हैं ताकि जो इनका टारगेट था वो टारगेट जो राजस्व प्राप्तियों का था वो प्राप्त हो सके या उसको कैसे भी पूरा कर सके। तो मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा निर्णय है, आत्मघाती टाइप का निर्णय है ये, जिस सरकार के बैठने के बाद से आज तक कोई चीज पॉजिटिव नहीं हो रही हो, किसी का राजनीतिक बयान की बात कर लीजिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता लक्ष्मण सिंह क्या बोल रहे हैं और उमंग केदार क्या बोल रहे हैं, तो ये साइड में जाने वाली बात ही। लेकिन इससे अब आप उसी को देख लीजिए, कल ही ये हनी ट्रैप का मामला ऐसा आ गया कि सरकार और पक्ष विपक्ष सभी ऐसे नाच रहे हैं जैसे कि ये प्रदेश यही काम करता था। आज आप देख लीजिए कि ये रेट बढ़ा दिए, तो ये सरकार जो है कहीं ऐसे कोई निर्णय नहीं ले पा रही है जिस निर्णय से जनता के बीच में। अब आप किसानों की देखिए, अभी इसमें जो है आष्टा के पास जो है किसान ने आत्महत्या कर ली थोड़े दिन पहले ही, पौने दो लाख का कर्जा था, सरकार उसका कर्जा नहीं उतार पाई। आज भी बातें की जा रही हैं, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि साहब वो तो झूठ बोल गए राहुल गांधी जी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है वो बेतरतीब निर्णय ले रही है। जो निर्णय कमलनाथ जी को लेना चाहिए थे छिंदवाड़ा मॉडल को प्रस्तुत करने के लिहाज से, वो निर्णय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। राजस्व प्राप्तियां जुगाड़ने के लिए ऐसे रास्ते निकाले जा रहे हैं जिस रास्ते में सरकार की बदनामी ज्यादा होती है। पेट्रोलियम पदार्थों के साथ दारू को जोड़ने का तात्पर्य ये था कि दारू को हाईलाइट कर दें, जैसे जैसे
इन महिलाओं वाले मामले में ब्लैकमेलिंग को हाईलाइट करी जा रही, सरकार केवल ब्लैकमेलिंग पे लगी हुई है। तो इनका जो सोच है ना वो ये है कि एक गलत काम करने वालों का तो संरक्षण हो जाए और एक जो है ये ब्लैकमेल शब्द जो है ये प्रचलन में आ जाए, किसी प्रकार से मतलब ध्यान हटाने का, या दारू प्रचलन में आ जाए और डीजल के माध्यम से लोगों की जेब काट ली जाए। चलिए देवदत्त दुबे जी, आपको क्या लगता है और इसके जो साइड इफेक्ट होंगे वो कैसे नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पे खबरें ये भी नहीं आने लगी है। कल ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मांग कर दी है कि किराया बढ़ा दिया जाए, स्कूल बसों के किराए बढ़ाने की मांग उठने लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी। तो आपको लगता है जिस 300 करोड़ के जो रेवेन्यू के लिए इतना सब कुछ करना जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को परेशानी होगी, कितना जाए जिसको मानते हैं, और क्या लगता है वाकई में कि जो सरकार की जो नीयत है वो सही दिशा में थी? देखिए, कोई सरकार हो और किसी पार्टी की सरकार हो, अंत में मार जनता पे ही पड़ती है। जब चुनाव होते हैं तब तो उनसे चांद सितारे तोड़ने की बात होती है, लेकिन जब चुनाव निपट जाते हैं तो उनकी जेब टटोलने की बातें होती हैं, कौन कितना दे सकता है। अब तो सड़क पे वाहन ले जाना बड़ा एक तरह से युद्ध जैसा लड़ने जैसा हो गया है, या तो चालान का डर पहले ही से था और अब पेट्रोल डीजल। आप देखिए ऊपर से सड़कें आप देखें, बैलगाड़ी का अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बैलगाड़ी नहीं चल पा रही है, बैल आधा धस गया, चका गाड़ी का आधा धस गया, ऐसी सड़कें हो गई हैं। और आप देखें कि वचन पत्र में कहा गया था कि हम डीजल और पेट्रोल पे कम करेंगे कीमत, अब वैट बढ़ा के आप कीमत बढ़ रही है, तो इससे चौतरफा असर होता है। पेट्रोल डीजल की जो कीमतों में वृद्धि जब होती है तो उसका महंगाई पर चौतरफा असर होती बढ़ती है, यात्री किराए वाले, भाड़े वाले, यहाँ तक कि जो सब्जी वाले, किराना वाले, सब जगह वो कहेंगे कि हमारा अब बढ़ गया ढोने का मामला, तो अब इसमें हमारे रेट बढ़ाओ। तो मुझे लगता है कि सरकार को कभी तो जनता की सोचना चाहिए, क्या चुनाव निपट जाते हैं तो क्या जिंदगी भर के लिए निपट जाते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। अभी नगरीय निकाय चुनाव सर पर है, झाबुआ का उपचुनाव है, आज ही घोषणा हो गई है। बिल्कुल, अब सरकारों को क्या है, चुनाव जीतने का पार्टियों को भरोसा हो गया मैनेजमेंट पे और दूसरे मुद्दों पे चुनाव जीते जाने लगे हैं, तो बुनियादी मुद्दे जो है बहुत पीछे छूट जाते। आपको याद हो कि पिछली सरकार में वेट इतना था कि उत्तर प्रदेश से लगे जिलों में लोग उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल भराने जाते थे। अब भी वही स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले 28% वेट था जो बढ़कर 33% हो गया है जी। केंद्र सरकार ने जुलाई में 2 रुपए सेस बढ़ाया था, राज्य सरकार ने 2.5 रुपए बढ़ा दिया था, कल फिर लगभग 3.5 रुपए बढ़ गए हैं, तो लगभग 10 रुपए का तो ऐसी की है जो सीधे सीधे एक तरह से हम कहें कि सरकारों ने बढ़ा दिए जी। जैसा उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, वहाँ वेट कम है, वहाँ लोग डीजल पेट्रोल भराने जाते हैं, और मध्य प्रदेश में तो जनता को उम्मीद इसलिए थी कि आपने घोषणा पत्र नहीं, आपने वचन पत्र में कहा था कि हम कीमत कम करेंगे, अब आप उसके लिए कुछ भी कहो, ये तो तय है कि कभी ना कभी कोई ना कोई आपदा आती रहती है, तो उसके लिए जैसे शर्मा जी ने कहा उसके लिए आपको इंतजाम करना था, उसके लिए थोड़ी है कि आप उसकी आड़ लेके और जनता के जेब में डकैती है एक तरह से, और जो आप कहते हो उससे आप पलायन कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अब समय आ गया है जब दलों के घोषणा पत्र पर यदि वो अमल ना करे, चाहे कोई भी दल हो, भाजपा हो या कांग्रेस, तब उनको आगामी दिनों घोषणा पत्र जारी करने पे बैन लगा देना चाहिए, चुनाव लड़ने पे बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरह से वादा खिलाफी है। जैसे कंपनी जो ऑफर देती है और जब वो कंपनी पूरा नहीं करती तो हम उपभोक्ता फोरम में जाते हैं, ऐसे कुछ इंतजाम सरकारों के लिए आपके हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हमारे सहयोगी सुनील सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जिस प्रकार के रेट बढ़ाए और जो तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और ये कहा जा रहा है कि आम जनता इसका वहन कर लेगी, बीजेपी भी इसके खिलाफ है, ये बात हो रही है कि 2 महीने पहले बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उसने भी रेट बढ़ाए थे, और इन सब के बीच, क्योंकि अभी जो स्थिति है आरामको, जो कि एक बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी जिस पर हमला हुआ है, और ये माना जा रहा है कि पूरे दुनिया में क्रूड की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी होना, और लगातार ये बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, कभी 18 पैसे 20 पैसे, ऐसे में पेट्रोल लगभग 81 रुपये हो गया, डीजल 75 के आसपास पहुंच गया। आपको लगता है कि ये जो महंगाई की बात हो रही है और जो सरकारें बात कर रही है आर्थिक मंदी है, तमाम सारी चीजें, वो सब प्रभावित होंगी, किसानों की लागत जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो कई सारे किसान हैं वो खेती के लिए डीजल पंपों का उपयोग करते हैं, डीजल महंगा हो जाएगा, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन महंगा आ जाएगा, तो इसका ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा? निश्चित तौर पर मनोज जी, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसका
आम जनता की जेब पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। आप पेट्रोल के दाम बढ़ने से व्यापार में आपका देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, आपके जो ट्रक जो दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में आते हैं, आसपास के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पे पेट्रोल के दाम बहुत कम है, तो कोई भी लंबी दूरी वाला ट्रक या बस चलाने वाला कोई भी हो परिवहन वाला, वो आपके प्रदेश में क्यों पेट्रोल डलवाएगा? उसको जब उसको सस्ता पेट्रोल दूसरे स्टेट में मिल रहा है तो वो सबसे ज़्यादा वो चूँकि ये ज़्यादा से अधिक मात्रा में पेट्रोल डलवाते हैं, तो एक तरह से ये देखा जाएगा तो वो बाहर के जो ट्रक आ रहे हैं वो दूसरे स्टेट से ही पेट्रोल डलवा के आएंगे। आप जिस तरह से पेट्रोल से राजस्व उगाही की बात कर रहे हो कि कम से कम सरकार का खजाना भरेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो भरेगा। जिस तरह से वो दूसरे स्टेट से पेट्रोल डलवा के और आपके स्टेट से ऐसे ही निकल जाएगा। और दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि ये पूरे प्रदेश में देश में मंदी का दौर चल रहा है, जैसे कि आम बात है, हर कोई चर्चा कर रहा है। पेट्रोल के बढ़ जाने से, इसके रेट बढ़ जाने से आम तौर पे आदमी महंगाई की मार से और ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा। उसको हर चीज़, आप परिवहन जब बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, उसको सब्जी मिलेगी महंगी, उसको हर चीज़ जो दिनचर्या की जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ में असर पड़ेगा और महंगी मिलेगी, तो ऑटोमेटिक वो परेशान हो जाएगी जनता। बिल्कुल, चलिए मैं शर्मा जी के पास आऊँगा। सर, आपने भी कहा जैसे चीज़ें बताई कि सरकार की मंशा में सवाल उठाए, लेकिन एक बात और भी है शर्मा जी कि जो केंद्र सरकार से जो राशि नहीं मिल पा रही है तो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों कि उड़ीसा में जब तूफान आया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी नवीन पटनायक के साथ हवाई दौरा करते नजर आते हैं, क्योंकि राज्यसभा में कई सारे बिल पास कराने थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई सारे केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाने की हिम्मत नहीं जुटाई है। शिवराज जी आज जरूर बैठे हुए हैं, कल मुख्यमंत्री जाएंगे बाढ़ पीड़ित इलाकों में, परसों ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे, केंद्रीय बाढ़ दल भी आ गया, तो सरकार को पैसे की जरूरत तो है ही सही राहत पहुंचाने के लिए, उसका इंतजाम तो कहीं ना कहीं से करना ही होगा सरकारों को। शर्मा जी, बिल्कुल ठीक बात है, सरकार की जिम्मेदारी है ये, और सरकार जो है इस बारे में तय करे कि उसको क्या करना है, उसका पैसा जुटाने का तरीका क्या रहेगा। जी भाई, आप ये बताइए कि जब ममता बनर्जी जैसी जो एक्सपायरी डेट का प्रधानमंत्री बताती थी वो मिलने चली गई, कमलनाथ जी प्रधानमंत्री से कब मिलने गए? उन्होंने जाकर के क्या कहा कि हमारे राज्य को आप वो करिए? और ये देखिए, आप उसको नजर मारिए जिसका आप उल्लेख कर रहे हो, नवीन पटनायक का। नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि बाढ़ की समस्या है, आप इसका समाधान करने में हमारी मदद करिए। कमलनाथ जी ने कब कहा है? यहाँ तो बैठ करके पॉलिटिक्स हो रही है। आप सम्मेलन बुला रहे हो कि देश में मंदी आ रही है, आर्थिक गिरावट आ रही है, तो आर्थिक गिरावट आ रही है तो उसमें आप सपोर्ट करोगे कि देश के अंदर आर्थिक गिरावट को बढ़ाने में मदद करोगे? बिल्कुल। सुबेरे तो आप सुबेरे कह रहे हो कि गिरावट आ रही है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, हमारे सारे गड़बड़ा रहा मामला पूरे देश का, और शाम को आप जो है उसके भाव बढ़ा देते हो, तो इससे भी तो आर्थिक गिरावट में ही मदद मिलेगी ना। हमारा सारे जैसे दोनों मेरे मित्रों ने कहा है, बिल्कुल, कि दोनों इसके कारण जो रेट बढ़ने में, लागत मूल्य बढ़ने में भी इससे जो है सहायता मिलेगी, तो ऐसी परिस्थिति में आप तो और उल्टा काम कर रहे हैं ना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि भाई कमलनाथ जी हैं, हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, हमारे गोविंद सिंह जी हैं, उनको गोविंद सिंह जी को बड़ी चिंता रहती है सारी चीजों में बोलने की, वो प्रधानमंत्री के पास चले जाएं, जाकर के उनसे कहें कि भाई आप हमारी मदद करिए, हमारे राज्य का मामला है, हमने आपको जो है सारे सांसद दिए हैं, एक ही तो सांसद कांग्रेस का है। बिल्कुल, इतना बड़ा प्रदेश की जनता, कांग्रेस भी वही कह रही है कि बीजेपी का 28 सांसद है वो आवाज उठाए कि दिल्ली में सरकार के लिए मदद मांगे। आप मनोज जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप एक बात पर ध्यान करिए, शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे सांसदों की बैठक बुलाते थे, इनने सांसदों की कोई बैठक बुलाई क्या? बिल्कुल, केवल ये कह देने से पीसी शर्मा टाइप के लोग आकर के यदि मान लो स्टेटमेंट दे देते हैं, उससे काम थोड़ी बनने वाला है। आप कर क्या रहे हो? आपको ये दिखाना पड़ेगा, आप सरकार के साथ बार्गेनिंग कर रहे हो, सरकार के साथ प्रेशर बना रहे हो। शिवराज जी धरने बैठ जाते थे, कमलनाथ जी बैठे ना धरने पर, कौन ने रोक रखा है? आप प्रेशर नहीं बना रहे हो। आप क्यों प्रेशर नहीं बना रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है कि रितुलपुरी का मामला चल रहा है, तो आप प्रेशर बनाने की क्या जरूरत है? तो कुल मिलाकर के आप प्रदेश के, मैं एक बात और आपसे मनोज जी कहना चाहता हूँ, जो मैं कई बार चिंता में महसूस करता हूँ, आप हमारी जेब से निकाल के, नीचे की जेब से निकाल के ऊपर की जेब में डालते हो, और निकाल ज्यादा लेते हो डालते कम हो। आप कह रहे हो हम सब उनको प्रभावित लोगों को देना चाहते हैं, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, फिर आप भैया जो हमारे से टैक्स लेकर के जो खजाना भरा हुआ था या खजाने में जो आ रहा उससे दीजिए आप। बिल्कुल, वो तो आप दे नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हो साहब आपकी जेब में ऊपर वाली में डालना है, नीचे वाली से निकालेंगे। तो ये जो फार्मूले थे ये पुराने जमाने के फार्मूले थे, आज के जमाने के फार्मूले में आपको निवेश बढ़ाना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगी,
अब आपको जो है रोजगार के जनरेशन करना पड़ेंगे ताकि लोगों के पास टैक्स देने की मानसिकता बढ़े और लोगों की क्षमताएं बढ़े। ये जब तक आप नहीं करोगे जब तक आपके राजस्व प्राप्तियां नहीं बढ़ेंगी। आप मनोज जी एक बात मैं फिर जो है गंभीर कहता हूं, पहले मैं जब कॉमर्स देखा करता था और मैं जब इस मामले में रहता था तो मुझे ये बताते थे ये वित्त विभाग के और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लोग कि हमारे टैक्स की ग्रोथ 8% है, और ये कहा जाता था कि जो व्यापारी जगत है वो टैक्स चोरी करता है और कारपोरेट जो है वो पूरे पैसे देता है, और सरकारी महकमे जैसे ये तेंदुपत्ता है, जैसे डीजल पेट्रोल है, जैसे जो सरकारी डिपार्टमेंट जिन चीजों को है, ये आबकारी है, आबकारी है, इसका टैक्स ईमानदारी से मिलता है, व्यापारी चोरी करता है, कारपोरेट ईमानदारी से देता है और यहाँ का पक्का है। तो हम ये कर, आज उल्टा क्या हो गया, व्यापारी ईमानदारी से दे रहा है, कारपोरेट चोरी कर रहा है और सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर हेरा फेरी हो रही है। ये बड़ा परिवर्तन आया, इस परिवर्तन को आप जब तक नहीं संभालते ही रही है, आप उसकी तरफ देखते ही नहीं ना भाई। आपको क्यों नहीं देखना चाहिए कि जिन विभागों से आपको टैक्स प्राप्त होता था, आप देखिए इसमें क्यों नहीं हो रहा, पंजीयन में क्यों नहीं हो रहा, सेल टैक्स जीएसटी के अंदर, जीएसटी ठीक है आजकल केंद्र के हाथ में चली गई लेकिन इसके बाद आपकी प्राप्तियां का प्रतिशत होता है, तो आपके राज्य का ग्रोथ जो है पिछले साल से इस साल में क्यों गिर गया, क्यों गिर गया, तो आप इसको ध्यान नहीं दे रहे, आपका प्रबंधन जो है वो ठीक नहीं है, इस ठीक से काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा अधिकारी, फिर मैं आपको जानबूझ करके उस विषय पर लाके छोड़ रहा हूँ। ये अधिकारी लोग तो काय में लगे हैं ना, त्यार दिन से तो हमको मालूम है काय में लगे हैं, इनका प्रबंधन में ध्यान जाएगा कहाँ। चलिए दुबे जी से पूछ लेते हैं, दुबे जी वैसे इशारा तो कर दिया शर्मा जी ने, लेकिन एक बड़ी चीज भी है जैसे आपने भी जिक्र किया था कि अभी जो चुनाव आयोग ने एक बात कही थी कि जितने आपराधिक प्रवृत्ति के नेता लोग हैं उनको अपने आपराधिक मामलों की जानकारी जनता को देना चाहिए, तो क्यों ना राज्य चुनाव आयोग एक फैसला ये भी ले कि जो आप वादे करते हो, वचन पत्र हो, घोषणा पत्र हो, कितने आपने पूरे किए कितने अधूरे रहे, चुनाव के समय आप वो मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं ताकि ये पता लगे कि आपके वादों में कितना अंतर है, दावों में कितना अंतर है। दूसरी एक बात है कि ये बात ठीक है कि कमलनाथ जी ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि जहां प्रभावित क्षेत्र के सांसद हैं, हम देख रहे मंदसौर के सांसद हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के साथ तो खड़े नजर आते हैं लेकिन वो दिल्ली अपनी तरफ से चिट्ठी नहीं लिखते कि साहब मेरे क्षेत्र में इतना नुकसान हो गया इसके लिए आप फौरी तौर पर राहत मंगाएं। तो यानी कि आपदाओं को भी आप सरकारों के नजरिए से देख रही हैं पॉलिटिकल पार्टी। आपने सही कहा, जनप्रतिनिधि केवल एक ही बात में गुणा भाग में लगा रहता है कि इससे हमारी वोट कहाँ जा रही, वोट कमाने का क्या है, जबकि मजबूत आधार ये हो जाना चाहिए कि आप जनहित के लिए लाओ तो वोट तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। आप केवल टीवी कैमरों की राजनीति करोगे, बयानों की राजनीति करोगे, उससे कोई स्थायी जनाधार नहीं बनने वाला है। यही कारण होता है कि आजकल तो एक चुनाव में एक जीतता है, दूसरे में दो जीतता है, विकल्प नहीं होता, लोग वोट डाल देते हैं। जननेता क्यों नहीं सोच पाते कि जैसा हम अपने घर का प्रबंधन करते हैं वैसा हम अपने सरकार के द्वारा प्रदेश का प्रबंधन करें या देश का प्रबंधन करें जिसमें सब चीजें आराम से होती रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग नेता जो होता है हमेशा एक दूसरे पर दोषारोपण की एक जो प्रवृत्ति चली है कि इसकी शर्ट थोड़ी गंदी कर दो तो मेरी थोड़ी उजली दिखने लगेगी, तो दोषारोपण एक कोई केंद्र पर देगा, कोई राज्य सरकार पर दोष देगा, आज अपनी तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है जी। सुनील सिंह जी फाइनल कमेंट आपसे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कीमतें बढ़ाना इसका विकल्प है, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि सरकार अपने पैसा बचा के लखपति बनने की कोशिश कर रही है बजाय इसके कि वो इनकम बढ़ाए। जी हाँ मनोज जी, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार ने केंद्र से 12,000 करोड़ रुपए की राहत राशि मांगी है। केंद्र से दल आया, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गया, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने जो भी रिपोर्ट है जांच होगी वो दिल्ली जाएंगे, वहाँ उसके बाद ये निश्चित नहीं कि वो कितने दिन में देंगे और कितनी राशि देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ना करे कि कोई दूसरी आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, फिर अभी तो आप राहत राशि बाढ़ की वो कर रहे, चूंकि इस बार बरसात ज्यादा हुई प्रदेश में, दूसरी कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा से निपटने की क्या करोगे आप, फिर पेट्रोल के दाम बढ़ा दोगे क्या, तो क्या आप पब्लिक से ही ले लेके आप इस तरह से करोगे क्या। आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि ये राजस्व की उगाही हो और प्रदेश में आपके पास आर्थिक रूप सक्षम होना चाहिए, राजस्व कहाँ से आ सकता है, इस तरह से राहत राशि के लिए आप एक रिलीफ फंड है उसको आपको कैसे बढ़ाना है, क्योंकि ये तो आकस्मिक प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, तो आप क्या हमेशा क्या जनता की जेब पे ही वजन डालोगे आप। बड़ी बात है, सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा कि हर आपदा पे क्या आप जनता की जेब पर डाका डालेंगे। बहरहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए शर्मा जी आपका
आपका, दुबे जी आपका और सुनील जी आपका बहुत शुक्रिया। तो सरकारों को सोचना पड़ेगा कि आखिर वैकल्पिक उपाय क्या है। निश्चित रूप से सरकारों की अपनी मजबूरियां हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं होती है, ऐसे काम होते हैं जो सोशल सेक्टर, सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, जिनका कोई रिटर्न होना नहीं है, लेकिन उससे एक बड़ी आबादी को राहत मिलती है। लेकिन एक ये भी सोचने वाली बात है सरकारों के लिए कि आखिर ऐसा क्या उपाय किया जाए कि जिससे आम जनता की जेब पे डाका भी ना डले, बाकी लोगों को राहत भी मिले और सब कुछ सामान्य स्थिति में चलता रहे। तो निश्चित रूप से हम भी उम्मीद करेंगे कि सरकारें अभी ना सही आगे इस प्रकार की सोच से काम करेंगी जिससे सब लोगों का भला होगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।